नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। झांसी नगर पालिका परिषद चिरगावा के मुख्य बाजार ओझा पान वाले की दुकान के पास ही पहली बार साथ में ही नगर पालिका परिषद और प्रशासन की पोल खुल गई, जबकि अधिकारी साफ सफाई के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नाली की सफाई की जांच की जा चुकी है, पर पहली बारिश में ही जगह जगह पानी दिखाई दे रहे हैं। नाली चौक के होने के कारण लोगों के घरों में बरसात का पानी भर जाता है, क्योंकि नाली की सफाई ठीक से ना होने के कारण सामना है कि पानी में कई बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं गिर जाते हैं। नाली साफ ना होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे मलेरिया डेंगू फैलने की आशंका बनी रहती है। शासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त समाधि स्थल पर भी जल भराव देखा जाता है, जिन्होंने भारत, साकेत, जयभद्र, यशोधरा आदि कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनका देश से विदेश में राष्ट्र कवि के नाम से विश्व विख्यात है। साहित्य जगत में प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने महिलाओं के लिए, देश की आजादी के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए कविताएं लिखी है। राज्यसभा सदस्य भी रहे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमन जी ने प्रतिमा अनावरण किया था, उसके बावजूद भी राष्ट्र कवि समाधि की दुर्दशा आप लोग देख सकते हैं। कई बार शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, आज तक कोई सुध नहीं ले रहा है। उच्च अधिकारियों से मांग करते हुए लोगों ने लापरवाह और गैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।